आज सत्याग्रह में हम लोग मातृ सदन आश्रम हरिद्वार में हैं और हमारे साथ आश्रम के प्रमुख स्वामी शिवानंद सरस्वती जी हैं और आप देख रहे हैं मेरे साथ ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद जी बैठे हुए हैं। ये दोनों संत पिछले कई दिनों से उपवास पे थे। मातृ सदन का इतिहास है गंगा में अवैध खनन के खिलाफ, गंगा में बड़े बांधों के खिलाफ और गंगा के संरक्षण के लिए करीब 65 के करीब अनशन यह आश्रम कर चुका है, जिसमें दो साधुओं की तो अनशन करते हुए जान चली गई और एक साधु की हत्या भी हुई खनन माफिया द्वारा। तो साधुओं का बलिदान दिया है इस आश्रम ने और उसके बावजूद लगातार वो अनशन करते रहते हैं गंगा में अवैध खनन के खिलाफ, बड़े बांधों के खिलाफ। और अभी हाल में ही 23 फरवरी से अनशन शुरू किया था ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद जी ने, लेकिन 20वें दिन जब उनको पुलिस यहाँ से उठा के ले गई आश्रम से, तो स्वामी शिवानंद सरस्वती जी ने उपवास शुरू किया। और वो बहुत कठोर तपस्या थी क्योंकि वो सिर्फ पानी पे उन्होंने अनशन शुरू किया था और अंत तक आते आते 4 गिलास पानी से घटा के कल वो 1 गिलास पानी पे आ गए थे। सिर्फ 1 गिलास पानी में इस गर्मी के समय में वो थे अनशन पे। और ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद तो 195 दिन का अनशन कर चुके हैं 2018-19 में, और ठीक नरेंद्र मोदी के बनारस के लोकसभा चुनाव के पहले यहाँ आके महानिदेशक नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने उनका अनशन खत्म कराया था। और ऐसा लगता है कि इस समय कुंभ मेला है यहाँ पे, 4 तारीख को आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के आगमन की तैयारी है और शायद इसीलिए सरकार किसी बदनामी से बचने के लिए उसने एक कोशिश की है और कल मध्य रात्रि के बाद 2 पत्र यहाँ लाके दिए गए हैं आश्रम को। एक में डायरेक्टर जनरल नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने स्वामी शिवानंद सरस्वती जी को कहा है कि अवैध खनन रोका जाएगा और किसी नए बांध को अनुमति नहीं दी गई है। और दूसरे पत्र में जल शक्ति के एक ब्यूरोक्रेट हैं, उन्होंने कहा है कि वो पर्यावरण मंत्रालय को, देखिए कितनी अजीब बात है, एक मंत्रालय दूसरे मंत्रालय को रेकमेंड कर रहा है कि अवैध खनन को रोका जाए। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि पर्यावरण मंत्रालय जो अनुमति दी गई है खनन की उसको वापस लेगा, खनन रुकेगा और बड़े बांधों पे काम रुकेगा। तो हम सीधे बात करेंगे पहले स्वामी शिवानंद सरस्वती जी से, वो चूंकि अनशन से अभी अभी उठे हैं, वो उनकी आवाज़ बहुत धीमी होगी शायद, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हम सुन पाएंगे और उसके बाद फिर ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद भी अपनी बात रखेंगे। स्वामी शिवानंद सरस्वती जी, कृपया बताएं कि जो अभी आपका आखिरी अनशन है वो कैसे समाप्त हुआ, किस आश्वासन पे, और आपको कितनी उम्मीद है कि सरकार ने जो आपसे वायदा किया है वो उस पे खरा उतरेगी? एक मिनट रुकिएगा, आपका वो अब फिर से बोलिएगा स्वामी जी, अभी तक वो बंद था माइक, अब ठीक। जब 2018-19 में आत्मबोधान की तपस्या चल रही थी तो पहले तो 25 अप्रैल को एनएमसी जी के डायरेक्टर और एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर आए थे, उन लोगों ने आश्वासन दिया था कि चूंकि मोदी जी के संज्ञान में हो रहा है सब बात मान ली जाएगी, इलेक्शन का आचार संहिता लगी हुई है इसलिए अभी नहीं हुआ। जब वो नहीं हुआ तो 21 जून 2019 को हमने मोदी जी को पत्र लिखा
बड़े या अभूतपूर्व है जो एक प्राइम मिनिस्टर के संज्ञान में हुई वार्ता का प्रतिफल नहीं निकलता। उसके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने इसे तत्काल कार्रवाई की और 28 जून को ही जलशक्ति मंत्री को लिखा। लेकिन अभी के जो जलशक्ति मंत्री हैं वो मंत्र की तो दृढ़ता उनकी है ही नहीं और उनका दृष्टिकोण भी बड़ा अद्भुत सा रहता है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से गया था, उसमें कहा गया था कि उनकी मांगों को क्रियान्वित कर महासदन को खबर करें, इसकी एक कॉपी पोर्टल पर डाल। लेकिन उन्होंने पोर्टल पर तो नहीं डाला, एक अक्टूबर को पत्र लिखा जिसमें सब मांगे मानने की बात आई। तो हमने लिख लिया। उसके बाद जब ये नहीं हुआ, 15 दिसंबर से पद्मावती बैठी और इसके साथ जो व्यवहार हुआ हुआ मानवता के इतिहास में एक कलंकित व्यवहार है। एक साध्वी को पहले कलंकित करना, उसके बाद उसको ऐसा गैस सुहा देना जो अभी तक चेयर पकड़ी हुई है। उसके बाद अनशन का दौर चला। 2 सितंबर को पुनः हमें पत्र लिख करके आ गया कि खंड बंद कर देंगे। लेकिन MOEF जो है, खास करके भारतवर्ष में MOEF और CPC, ये दोनों इतना करप्ट इंस्टीट्यूशन बन गया है, इसमें तो हमको एक भी ईमानदार नजर आता ही। तो MOEF ने उसको लागू नहीं किया, तो हमको दोबारा बैठना पड़ा और इस बार वो स्ट्रॉन्ग रिकमेंड करके कहे हैं कि तुमने इसी जारी किया है उसको कंसिल करो। और चीफ सेक्रेटरी उत्तराखंड को कहा गया कि तुम उत्तराखंड को बताओ। तो ये बस इसी रात में जो और साथ साथ हमें जो वार्ता हुई है उतना उपत्र बनेगा। वार्ता में ये हुई है कि 7 बांध बंद करने की बात थी, उसमें उन्होंने कहा है कि 2 बांध ऋषि गंगा वाला प्रोजेक्ट तपोवन किसमौला प्रोजेक्ट भी नष्ट हो चुका है, उसे चालू नहीं किया जाएगा और 5 अन्य बातों पर मांगों पर बैठ करके हम लोग चर्चा करें। जबकि हमको इससे पहले उन बांधों को बंद करने के लिए आश्वासन मिल चुका, वह 2 मई के बाद इलेक्शन है, 2 मई के बाद। इस पर हमने बच्चा को विराम दिया है। हम देखिए सरकार कहाँ तक क्या करती है। पर बात है खनन माफिया का बड़ा बोलबाला है। इससे पहले यहाँ त्रिवेंद्र सिंह रावत के डायरेक्ट खनन माफिया से इन्वॉल्व था। हम देखते हैं तीरथ सिंह रावत कितना ये। सबसे बड़ी बात है कि प्राइम मिनिस्टर के यहाँ से जो आदेश हुआ उसको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो कन्फर्म कर दिया, उसे बदलने का इन लोगों को कहाँ से अधिकार मिल जाता है, कुछ समझ में नहीं आता। खैर देखिए अभी तत्काल ये स्थित है और हम तपस्या को विराम दिए हुए हैं, आगे क्या होता है वो तो कहना कठिन। जी स्वामी जी, जो पत्र आए हैं दोनों वो आज सार्वजनिक किए गए हैं मित्रों के साथ, तो क्या आपको लगता है कि क्योंकि उसमें मैं देख रहा हूँ, मैंने जब ध्यान से पढ़ा तो वो पत्र जल शक्ति मंत्रालय ने पर्यावरण मंत्रालय को लिखा है। बात है कि पर्यावरण मंत्रालय ने इसी इश्यू किया है। जी जी, जी. वो इसी को, तो आपको भरोसा है कि वो इसी वापस ले ली जाएगी? वो अब जो ये पत्र इससे पहले भी गया था उसको उसने लिखा, ये पत्र बहुत स्ट्रॉन्ग स्पष्ट लिखे हैं कि स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड और हम अब MOEF को भेजेंगे। इससे पहले भी पत्र लिखे थे कि तुम यदि ठीक से काम करता रहा था तो NMC की आवश्यकता नहीं। अच्छा, आप वास्तविक स्थिति थोड़ा बताइए कि जो खनन अभी रायवाला से भोगवाला की
जो बात उसमें चार चार इसी दिया हुआ है वो चल रहा है, और उसके बाद प्रकृति की पूंजी हम तो दे रहा है, लेकिन इसके तहत, और इसलिए इसको बंद करना पड़ेगा कि क्योंकि इसमें बदमाशी ये की तो है ही, जल शक्ति मंत्री की बदमाशी ज्यादा है। कोरोना काल में वहां सेक्शन 5 लगा हुआ था, और कोरोना काल में लोग एक स्पेशल मीटिंग बुला लेता है, एक्सपर्ट कमेटी बना लेता है, किसी को बैठा कर सब एक्सपर्ट हो जाता है। ऐसा एक्सपर्ट होता है जो गंगा किनारे गया तक नहीं रहता है, गंगा को देखा तक नहीं रहता है, वो उसका एक्सपर्ट कमेटी हो जाता है, और जैसी जैसी वो चलता है तो इस पर घोर आपत हुई। तो इसमें चार जो है अनुमति दी हुई है और बिना अनुमति के भी चल रहा होगा, ये वो तो बड़े छोटे छोटे लोग तो डीम देते हैं, आपको पता है वो चार बंद होगा तो बंद करना ही पड़ेगा। जी जी उसी के आधार पर। अच्छा, दूसरा जहां तक बांधों की बात है, अभी हाल में उत्तराखंड में एक ग्लेशियर फटा और दुर्घटना हुई, क्या आपको लगता है कि ये जो बांध बनाए जा रहे हैं इनका कहीं इन दुर्घटनाओं से संबंध है? दुर्घटना का संबंध, यदि बांध नहीं बनते पहाड़ में ये गिरते रहते तो वो पानी के बहाव के साथ नीचे आ जाता है, थोड़ा जल कर जब अवरोध कर दिया जाता है तो वहां पानी जमा हो जाता है, वो फिर विविधता देखा तो ये तो पहाड़ में होती है। जी जी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सरकार तो बांध बनाने के पक्ष में है ही, जो प्रमुख विपक्षी दल भी हैं इस देश के, उदाहरण के लिए कांग्रेस पार्टी, वो भी जब आप लोग अनशन पे बैठते हैं तो ये बड़ी अजीब बात है कि ना तो सत्ता में जो दल है उसके कोई लोग कुछ बोलते हैं आपके अनशन के ऊपर, और ना ही कोई विपक्षी दल के बड़े नेता बोलते हैं। तो ऐसा लगता है कि इस देश के सारे बड़े राजनीतिक दल के बड़े नेता इसी तरह के विकास के समर्थक हैं जिसमें बड़े बांध बनाए जाएं, तो फिर आपका संघर्ष कैसे सफल होगा? असल बात है कि चाहे सत्ता हो और विपक्ष, दोनों एक ही तरह का है। जहां तक खनन की बात है, सत्ता और विपक्ष दोनों को समझा, बांध जो बनता है उसमें सत्ता विपक्ष दोनों को समझा, दोनों उस उम्मीद करना व्यर्थ, उनको दबाव बन में ला कर ही उनसे काम कर, नहीं तो ये लोग। क्या आपको लगता है कि कभी ये सरकार, जैसे वो किसान आंदोलन की बात मानने को तैयार नहीं है, कभी आपकी बात मानेगी और बांधों का काम रुकेगा हिमालय में? तो ये तो प्रकृति बाध्य कर देगी, नहीं मानेगा तो टूटेगा। अभी जो दोषी से ऊपर मरने की बात आ रही है, इसका दोषी कौन है? आज यदि बांध नहीं बनने होते, दोषी से ऊपर मरने की सरकारी घोषणा, इसका दोषी कौन? कोई प्रकृति तो छोड़ेगी नहीं, प्रकृति तो अपने आप को ठीक करेगी। हम लोग चेतावनी देते हैं, नहीं चेतेगा तो परिणाम होगा। हमने इसे पहले ही कह दिया था, न्याय चार तरह होता है, वैयक्तिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजकीय न्याय और प्राकृतिक। वैयक्तिक न्याय मनुष्य के विवेक से उत्पन्न होता है, जो काम हो विवेक से व्यक्ति गलत काम नहीं करता है वो वही पर निर्णय ले लेता है। सामाजिक न्याय होता है कि जब व्यक्ति समाज में दोष करता है तो पहले सामाजिक दल अब वो नष्ट हो गया, उसका राजकीय न्याय है। और बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि राजकीय न्याय का ये स्थिति हो गई है। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की बात बताऊं, हाई कोर्ट के एक जज थे, उन्होंने उत्तराखंड में खनन की विवशता को देखते हुए, बहुत बड़ा फैसला है, उस फैसला को देखिएगा तो पूरा संस्कृत उत्तराखंड की बनती, उसने चार महीने के लिए खनन को सस्पेंड कर हाई पावर कमेटी बनाकर जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट उसे स्टे करके पेंडिंग में डाल दिया। एक ऑर्डर उत्तराखंड हाई कोर्ट ने किया, गंगा और उसकी हाई फ्लड में खनन नहीं होगा, स्टे करके पेंडिंग में डाल दिया।
गंगा और यमुना को लिविंग एंटिटी का दर्जा देने का आदेश दिया, स्टे करके पेंडिंग में डाल दिया। और सबसे विभत्स बात उनका स्टे का जो है, आनंद जी को मारने का ये लोग षड्यंत्र कर चुका था, जो हम लोग हाईकोर्ट ने यहाँ क्या करेंगे, स्टे कर दिया। मैंने वर्ल्ड का अद्भुत रिकॉर्ड है कि आदेश होता है इसे मजाने वाले व्यक्ति सुरक्षा के लिए, उनका सुरक्षा ख्याल करो, जब तक वो आदेश था उनको नहीं मार सका, आदेश को स्टे किया मार। जब जो सुप्रीम कोर्ट इस स्तर पर चला गया है तो राजनीति ने यहाँ सब प्राकृतिक नहीं आई, और प्राकृतिक में कोरोना कोरोना जितना आपदा आपदा सब आएगी, और प्राकृतिक न्याय न्याय दिलाएगी जी। नहीं, ये जो आप बता रहे हैं बात, ये तो बड़ी चौंकाने वाली है और दुखद भी है, क्योंकि कई बार जब लोगों को सरकारों से जब न्याय नहीं मिलता है तो वो न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा है कि न्यायालय का दरवाज़ा भी बंद है इस मुद्दे पे। और सबसे जो घोर आश्चर्य की बात है कि मीडिया भी बिल्कुल साथ नहीं देता है इस मुद्दे पे, जबकि ये इतना बड़ा मुद्दा है। और मैं ये भी सोचता हूँ कि इस समय देश में किसान आंदोलन चल रहा है, 41% भारत की जनता गंगा से लाभान्वित होती है, उसको पीने का पानी मिलता है, उसको सिंचाई का पानी मिलता है, और इतनी बड़ी संख्या में ये मुद्दा लोगों को प्रभावित करता है, फिर भी जिस तरह से किसान आंदोलन में किसान निकल के आ गया है और दिल्ली को घेर के बैठ गया है, तो जी हम सरकार से कोई उम्मीद नहीं करते हैं, न्यायालय से कोई उम्मीद नहीं करते हैं, हम मीडिया से कोई उम्मीद नहीं करते हैं, लेकिन गंगा के मुद्दे पे और जब संत उपवास पे बैठते हैं तो आप क्या समझते हैं कि जनता इसमें उस तरह से क्यों नहीं आती है जैसे कि किसान आंदोलन में निकल के आई है? क्योंकि हम सब लोग तो चाहते हैं कि जनता निकले, और जैसे किसान आंदोलन में दिल्ली को घेर के बैठ लिया है बैठ गए हैं, उसी तरह से जब कोई मातृ सदन का साधु अनशन पे बैठे तो लोगों को निकल के देहरादून और दिल्ली को घेर लेना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं होता है? जनता क्यों इतनी संवेदनहीन है? जनता की बात छोड़िए ना, जो साधु गंगा स्नान के लिए कुंभ के लिए यहाँ आए हैं जी, और यहाँ टेंट लगा रहे हैं, इसमें एक जुलूस निकालने में लाख लाख खर्चा कर रहे हैं जी जी, उनको जब ये साहस नहीं हो रहा है, सही कह रहे हैं आप, जनता से क्या जी। नहीं, स्थिति बहुत विकट है, और जो संवेदनहीनता है समाज की भी, ये भी बड़ी दुख देने वाली है। तो अब मैं चाहूंगा कि बाकी थोड़े समय में हमारे साथ नौजवान साधु बैठे हैं, ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद जी, जो 22 वर्ष की उम्र में साधु बनके और इस पूरे अभियान के साथ जुड़ गए, और जैसा मैंने बताया आश्रम की तरफ से सबसे लंबा उपवास ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद का हुआ, 195 दिन का, और अभी फिर वो अनशन पे थे। तो आप थोड़ा अपना अनुभव बताइए इस आश्रम के साथ जुड़ के, जो आप गंगा को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उसमें आपको क्या आशा दिखाई पड़ती है, क्या उम्मीद है कि आश्रम को सफलता मिलेगी? जब मैं तो शुरू से
पहले तो यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि मैं भी जब संन्यास लेने की इच्छा से जब लाइव है मैं भी जब संन्यास लेने की इच्छा से जब हरिद्वार मतलब नॉर्थ इंडिया आया, हिमालय उत्तराखंड आए, तो मैं भी थोड़ा बहुत जाने माने आश्रम सब एक बार जाके देखे थे अपना खोज में जब निकले तो सब जो सब जगह जो देखा बैनर बैनर में तो यही कि स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन है। मतलब जब अंदर जाते हैं तो वो स्पिरिचुअल से ज्यादा एक पाखंड हिपोक्रेसी दिखाई पड़ता था। मतलब जो असली जो जो स्पिरिचुअल असली जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस उनके अंदर जो होने वाला वो जो निडर भाव जो होता है, वो जो करेज होता है सत्य के प्रति, प्रकृति के प्रति उनका जो प्रेम होता है, मतलब वो सब तो नहीं देखा। फिर ऐसे घूमते बद्रीनाथ पहुंचे, वहां पर मेरा मतलब भगवान का कृपा रहा कि गुरुदेव जी से मिले और मातृ सदन के बारे में वहां पता चला और वहां के लोगों से पता चला है कि गंगा जैसे नदी के लिए बलिदान दे चुके हैं। मतलब उस समय तक दो लोगों का बलिदान हो चुका था। जब वो बात पता चला तो समझ में आ गया असली उस तब तक तो मुझे एक्सैक्टली पता नहीं था मातृ में क्या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस चल रहा, पर जब ये बात सुना तो मेरा मन में ये मतलब पूरे तरह में कन्विंस हो गया कि असली स्पिरिचुअल यहीं पर होता है। क्योंकि ऐसा अगर एक कॉज के लिए, एक बहुत बड़े कॉज के लिए करती है तो वो तो मतलब और यहाँ भी देखे या नारेबाजी की कभी इस तरह का कभी कुछ नहीं हुआ है। जो भी हुआ है एक गंगा जी का ही एक बिल से हुआ है। अभी जो हाल का ही जो अनशन हुआ गुरुदेव जी का, उसी में भी हम लोगों को कोई उम्मीद नहीं था कि सरकार के तरफ से आएगा, क्योंकि हम लोग गुरुदेव जी तो इस तैयार पे था गुरुदेव जी शरीर जाएंगे तो दूसरा सन्यासी बनना है, इसी प्लानिंग में था। दो दिन पहले तक यही था कि गुरुदेव जी शरीर छोड़ने जा रहे हैं, अब तुम बैठ जाओ, अब मेरा हो गया। ये इतना मतलब इतना क्रिटिकल सिचुएशन आ गया था। और एकाएक जो होता है ना, एक डिवाइन एक इंस्पिरेशन होता है जो भी होता है वो काम ऐसा कर रही है। और दूसरी बात है कि अभी तक जो लड़ाई देखे यहाँ का भी, हम लोग जब अनशन पर बैठते हैं कि ये कभी इच्छा करके नहीं बैठते कि हमारे सामने सामने काम होना है, हम बस एक कॉस बने रहना है। जब एक होता है ना कि एक एक ब्रिक बन के जा रहे हैं कि कभी एक दिन वो काम पूरा हो जाएगा, उसके लिए अगर सैक्रिफाइस जरूरी है तो उसके लिए भी तैयार। तो और दूसरी बात ये कि आने वाले जो जनरेशन है जी देखना जो खत्म करते हुए आप लोग देखते रहा और कुछ नहीं, तो उस कैटेगरी तो हम नहीं, हम लोग नहीं रहेंगे क्योंकि हम लोग तो इसके लिए लड़े और कुछ लोग जान भी दे दिए, तो वो बदनामी से तो हम लोग बच जाएंगे। जी नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि आप ये अपनी जिम्मेदारी समझ के ये अनशन आपने किए। लेकिन मैं भी आपसे वही सवाल पूछना चाहूँगा जो मैंने स्वामी शिवानंद सरस्वती जी से पूछा कि इतना महत्वपूर्ण होते मुद्दा होते हुए भी आखिर ये एक उस किस्म का जन आंदोलन क्यों नहीं बन पा रहा है जिस तरह से बाकी जो मुद्दे हैं उस पे लोगों का ध्यान आकर्षित होता है। जैसे गुरुदेव जी ने कहा, वो एक पार्ट तो कह दिया कि साधु लोग के बारे में बहुत मतलब इम्पोर्टेंट चीज था कि लोगों के मन में ये भी था कि साधु लोग क्यों नहीं जुड़ रहे, क्योंकि आज के टाइम में साधु रहा ही नहीं और इतने हरिद्वार में कमजोर हो चुका है साधु लोग। जब गंगा जी के बात उठाते हैं तो हिम्मत नहीं है कि कुछ बोले, ये डर है साधुओं में और वो साधु तो कह नहीं सकता है। दूसरी बात, जन आंदोलन के बदले अब किसान आंदोलन चल रहा है, इतने ज्यादा लोग तादाद पे लोग जुड़े हुए हैं क्योंकि डायरेक्ट उन लोगों के जी मतलब एक्सिस्टेंस उसी पे सवाल है कि अगर उस लड़ाई में हार गया तो बस उन लोगों का जीवन खत्म है वहीं पर। पर गंगा जी का जो इतना लॉन्ग टर्म जो इफेक्ट है वो लोग नहीं समझ पा रहे। लोग कहते हैं कि जैसा
पैकेज फूड नहीं खाना चाहिए, अल्कोहल नहीं पीने चाहिए, सिगरेट नहीं स्मोक करना, कैंसर होगा, वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट वो लोग नहीं समझ रहे, इसलिए वो लोग करते जा रहे हैं। जब कैंसर हो जाता है तो पछतावा करते हैं, कह रहे हम ऐसा गलती किया इसलिए हम ऐसा हुआ। तो वही चीज गंगा जी के साथ भी हो रहा है, जो जो समझ नहीं रही उसको समझ नहीं पा रहा, और जब हो जाता है तब जाके समझ जाता है। राजस्थान एक समय वहां भी एक नदी थे, सरस्वती नदी बहते थे, और यहाँ ये गंगा जी तो 2,500 किलोमीटर का एक सिविलाइजेशन है, ऊपर हिमालय से लेके सुंदरबन तक। अगर गंगा जी नहीं रहा तो ये इतना इलाका जो है वो पूरा डेजर्ट ही बन जाएगा, यहाँ सिविलाइजेशन पनप ही नहीं सकता। तो ऐसा नौबत आने का, अगर लोगों में जब वो दूरदृष्टि जब तक नहीं होगा तब तक आने आगे आने में लोग सक्षम नहीं रहेगा जी। तो इसके लिए हमको आपको क्या करना पड़ेगा कि उस किस्म की दृष्टि लोगों में विकसित हो कि जैसे किसान आंदोलन में तो आप कह रहे हैं कि तात्कालिक उनको खतरा दिखाई पड़ रहा है इसलिए वो निकल के आए, लेकिन ये बात ठीक है कि इसमें ऐसा कोई तात्कालिक खतरा लोगों को नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन खतरा तो है ही है। और आप देखिए कि अब पर्यावरण के मुद्दे पे भी पहली बार देश में ऐसा हो रहा है कि अभी एक 21 साल की लड़की को बैंगलोर से गिरफ्तार किया गया जो सिर्फ पर्यावरण के मुद्दे पे काम कर रही है, वो कोई किसान के मुद्दे पे काम नहीं कर रही है। तो पर्यावरण के मुद्दे पे भी लोग सक्रिय हैं। मुझे मालूम है कि ग्रेटा थुनबर्ग का जो अंतर्राष्ट्रीय अभियान चल रहा है क्लाइमेट चेंज के खिलाफ, उसमें उत्तराखंड से एक लड़की है रिधिमा पांडे नाम की जो उसकी साथी है, तो नौजवानों के बीच में, नवयुवतियों के बीच में अब जागृति फैल रही है पर्यावरण के मुद्दे को लेके भी। लेकिन ये थोड़ा आश्चर्य की बात है कि वो लोग गंगा के आंदोलन में नहीं दिखाई पड़ते हैं, जो पर्यावरण के मुद्दे पे भी जो लोग निकल के आते हैं, जगह जगह धरना प्रदर्शन करते हैं या जो भी बातें, वो इस मुद्दे पे गंगा के मुद्दे पे नहीं आते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये धीरे धीरे इस तरह की एक जागृति समाज में आएगी और लोग इसके साथ जुड़ेंगे। बॉबी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, सरकार का तो इंटरेस्ट है ही, जितने ये डैम बन रहा है ये तो सरकार का टॉप इंस्टीट्यूशन तो कह रहा है कि ये फीसिबल नहीं है, हिमालय जैसा सेंसिटिव जगह के लिए डैम जैसा चीज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पर ये है कि इसमें मोटा कमीशन है, जो जहाँ से भी वर्ल्ड बैंक से भी जो पैसा मिल रहा है वो यही के सीमेंट फैक्ट्रीज, यही के जो पूंजीपति लोग, वही लोग खर्चा कर रहे हैं, वही लोग कमा रहे हैं। मेन चीज पैसा ही है, इंडियन जो है करप्शन ही बात है। अगर असली चीज में अगर एनर्जी देना चाह रहे हैं, अगर आपको बिजली पैदा करना तो विंड है, सोलर है, कई सारे उपाय है आपके सामने। ये सबसे कॉस्टलीस्ट है, डैम और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सबसे कॉस्टली मतलब वे ऑफ मतलब प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। जी जी, तो ये जब बात मतलब टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी ये बात कह रहे हैं जो आप लोग कह रहे हैं, और अभी मैंने देखा कि जो पत्र आया है स्वामी जी के पास उसमें भी IIT कानपुर की रिपोर्ट का जिक्र है जिसमें एनवायरमेंटल फ्लो, न्यूनतम एनवायरमेंटल फ्लो जो है एक उसकी संस्तुति की गई है। तो जब हमारे वैज्ञानिक भी ये कह रहे हैं और जो विशेषज्ञ हैं वो भी ये कह रहे हैं, तो उसके बाद भी आखिर समाज का ध्यान इसी ओर क्यों नहीं जा रहा है? आज के टाइम में क्या है कि जहाँ व्यक्ति है वहाँ उनको इतना समस्या से परेशान कर रहा है कि वो कुछ और सोच ही नहीं पा रहे हैं। किसान आंदोलन हुआ है, नौकरी नहीं है, डिप्रेशन, इकोनॉमिकली डिप्रेशन हो रहा है, वो क्या है, वो कुछ है ही नहीं देश में, अपने कुछ है ही नहीं। जो जिनको दो एक समय में अपना ग्रेजुएशन करके निकलते तो कहीं ना कहीं एक जॉब लग जाता था, आज के टाइम में ऐसा नहीं है। मामूली सी प्यून का जॉब के लिए लाखों, 2-3 लाख लोगों का एप्लीकेशन जाता है, वो भी ग्रेजुएट PhD होल्डर्स का। ये स्थिति आज के दिन, तो लोग
एक तरह से अपने ही समस्याओं से परेशान है, दूसरी है कि सरकार जानबूझ के ये परेशानी कर रहे हैं कि ताकि लोग किसी और चीज में ना जाए। तो जैसे लोग अब धीरे धीरे आपका रिधिमा पांडे ग्रेटा थनबर्ग आने वाले फ्यूचर वो लोग तो सब समझ जाएंगे और सारे चीज को नॉर्मलाइज करेंगे। ये अभी ये जो समस्या है, ये जितने समस्या आपने जो हमसे पुराना जो जनरेशन है उसमें हमारा मेरा भी जो ये जनरेशन है वो लोग भी इसका रिस्पॉन्सिबल है। ये लोग किया हुआ गलती के चलते आने वाले फ्यूचर भोगेंगे, पर वो लोग हो सके समझ जाए और समझ भी जाएंगे, क्योंकि अभी जो जो भी बच्चे हो जो भी यंगर जनरेशन है वो लोग बहुत अवेयर हो चुका है इस चीज से। तो आने वाले बांध तो टूटना ही है, गंगा जी तो अविरल होना ही होना है, पर वो किस तरह, पर हम वो समझ के बैठे रहना ठीक नहीं है, क्योंकि हम अपने कर्तव्य करना चाहिए। तो बस वही कर्तव्य हमारा जी। ये कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आपके जो समर्थक हैं मातृ सदन के, वो ये कहते हैं कि बजाय इसके कि मातृ सदन के साधु बार बार अनशन करें, उनको देश में निकलना चाहिए, और जैसे इस समय किसान पूरे देश में निकल के अपनी बात लोगों तक ले जा रहे हैं। आपको मालूम है कि किसान नेता बंगाल में और दूसरी जगहों पे जहां इस समय चुनाव हो रहे हैं वहां जाके वो कह रहे हैं हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ आपको ये कहने आए हैं कि इस पार्टी को वोट मत दीजिए क्योंकि ये किसानों के खिलाफ है, बाकी आप जिसको वोट देना है दीजिए। तो वो एक गैर राजनीतिक तरीके से भी वो सरकार के ऊपर एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर सिर्फ जागरूकता ही फैलाने के उद्देश्य से और खास करके युवा युवतियों के बीच में, ऐसे हमारे कई साथियों का सुझाव है, एक महिला है पश्चिम बंगाल की, जब उनको पता लगा मातृ सदन में मीटिंग होने वाली है तो उन्होंने भी इस तरह के सवाल उठाए कि आखिर ये बार बार जो अनशन करते हैं तो इससे कुछ निकल नहीं रहा है, क्योंकि सरकार आपकी बात सुन के तात्कालिक कुछ समय के लिए मानती है, लिखित में आश्वासन भी दे देती है, लेकिन हम देख रहे हैं कि फिर से अवैध खनन शुरू हो जाता है। तो आखिर ये कब तक चलता रहेगा? और इसका एक जो विकल्प हो सकता है कि जाके लोगों के बीच में अपनी बात को कहा जाए ताकि और लोग इस पूरे अभियान के साथ जुड़े, जैसे बाकी आंदोलन वाले लोग करते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि मातृ सदन जो तरीका उसने अपनाया है वो इसी तरीके पे आगे बढ़ता रहेगा, या वो अपने तरीकों में कुछ परिवर्तन के बारे में भी सोच सकता है? जैसे सत्याग्रह तपस्या करना, मतलब एक साधु होने के नाते हमारा जी, तो हम यही कर सकते हैं, नाराबाजी तो नहीं कर सकते और विरोध प्रदर्शन सामने खुल गया उस तरह के नहीं कर सकते। हम शांत रूप से सत्याग्रह में बैठेंगे और सरकार मानेगा तो मानेगा, नहीं तो मार देंगे। और अवेयरनेस की बात है, अभी जैसे आप हुआ और भी कुछ लोग हैं, आप लोगों की तरफ से जो मैसेज आ रहे हैं वो है, और हम सन्यासी के आज के टाइम में तो यहाँ भी आदमी का बहुत कमी है, जैसा आप भी गिने चुने लोग, मतलब बहुत कम लोग, आप जैसे लोग भी कम है, क्योंकि असली कोर्स को लेके बहुत कम लोग है। गंगा जी के नाम पे हरिद्वार में कम से कम 50 से ऊपर एनजीओ चल रहा होगा जी जी जी, पर वो लोग गंगा जी को भला, मतलब जितना भला होना चाहिए उससे ज्यादा नुकसान ही कर रहे हैं, क्योंकि ये जैसा नमामि गंगे या कोई मंत्री आ गया तो इन लोगों का वेलकम करने के लिए ही एनजीओ दौड़ के जाते हैं और साथ देते हैं और कहते हैं कि चलो ये करो। तो कहने के लिए तो बहुत लोग हैं पर काम करने वाला बहुत कम है, तो मेन चीज ये है। अच्छा, अब मैं थोड़ा एक कठिन सवाल पूछूंगा आपसे। एक हमारी बहन है बंगाल की, उन्होंने उस मीटिंग में जब हम लोग आ रहे थे तो एक सवाल खड़ा किया कि साधु ये माना जाता है कि वो दुनिया से विरत हो गया, वो जो है अध्यात्म के रास्ते पे चला गया। अभी एक साधु आज हम लोग के साथ आ रहे थे गाड़ी में, वो कह रहे थे कि मैं अंतर्मुखी होने के लिए प्रयास करता हूँ, कि दुनिया में जो चल रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं। तो ये हमारी जो बहन है बंगाल की, वो पूछती हैं कि अगर आप साधु हैं तो फिर आप ये वाला काम क्यों करते हैं कि आप सरकार पे दबाव बनाते हैं, आप चाहते हैं कि सरकार आपकी बात सुने, ये सब काम को रोका जाए,
क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि बाकी किसी साधु संत को इस तरह के विषयों पे कोई चिंता नहीं है, तो उनका कहना था कि एक बार आपने संन्यास ले लिया फिर आपको दुनिया से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तो आप ये क्यों अपेक्षा करते हैं कि सरकार आपकी बात सुने? और ये सवाल उन्होंने मुझसे पूछा था, मेरे पास कोई जवाब नहीं है इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। गुरुदेव, इस सवाल का सबसे बेस्ट उत्तर गुरुदेव दिया। तो ये गुरुदेव को ही दीजिए आप। तो ये सवाल मैंने जो पूछा, हमारी हमारी नहीं, लोग सवाल उठाते हैं ना, लोग सवाल पूछते हैं कि फिर आप साधु होके आंदोलनकारी क्यों बन रहे? शायद म्यूट हो गए हैं दोनों माइक। म्यूट है जी। जी, अब आवाज आ रही है। जहां तक बात होती है साधु की, जहां तक बात है, तो साधु का काम केवल ये नहीं है कि अपने आत्मा को उद्धार करे। आत्मानो मोक्षार्थम जगत हिताय च, ये साधु का ये उदाहरण के लिए आप देखिए विवेकानंद, शंकराचार्य। विवेकानंद तो पूरा विश्व में लोगों को जगाने के लिए चले, समय समय पर जगाने का क्रम होता है। और जो साधु नीव जी को ये कह रहे थे कि हम तो अंतर्मुखी होने का चेष्टा कर, तो गंगा स्नान करने के लिए आ रहे हैं कुंभ में, और गंगा है ही नहीं इनका, उनको अंतर्मुखी में प्रवाह पता ही नहीं है, गंगा में स्नान करेंगे जल में स्नान कर रहे हैं। तो जब लोगों को ये होता है, इस धारणा को लोग मिटा दे। जब भगीरथ ने तपस्या करके गंगा जी को लाए थे, श्रीमद् भागवत में आया हुआ, तो भगीरथ को गंगा जी ने कहा कि मैं कैसे जाऊं, लोग अपने पाप मुझ में धोएंगे, उस पाप को कौन हटाए? साधु न्यासन शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावना अरंत गंगती अंग संघात। जो सर्व त्यागी सन्यासी हैं, साधु वाला साधु है न्यासनो, ये सब त्याग चुके, यो शांत हो चुके, इंद्रिय को उपद्रव से शांत हो चुके, जो ब्रह्मिष्ठ हैं और लोक कल्याण की भावना है, वो अपने अंग संगात स्नान करेगा, तो स्नान करके, और अभी जो हम लोग कर रहे हैं अंग संगात, उसके द्वारा उसके पाप को हटने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि उनके हृदय में पाप को मारने वाला हरि का, तो शास्त्री का की। दूसरी बात है कि यहां तक हरिद्वार की गंगा का सवाल है, तो ये तो आया कि यहाँ पर ये शिवजी की जटा है, शिवजी के जटा को काट के दिया जा रहा है। तो ये ढंग से यदि कोई ये कहता है, वो साधु की परिभाषा नहीं जानता, वो सही अर्थ में साधु केवल ये नहीं। वहां एक बात जरूर है, त्याग का मतलब ये नहीं होता है कि संसार का त्याग का मतलब अपने स्वजनों के प्रति जो एक विशेष लगाव होता है, जिस लगाव के चलते उसे अपना स्वजन तो अपना नजर आता है और बाहर के व्यक्ति को बाहरी नजर आता है, या जो भेद त्यागना है इसी को त्याग कर, ये जब त्याग हो जाएगा तब वो देखता है कैम आत्मा ब्रह्म या आत्मा ही ब्रह्म। तो जब तक ये भावना नहीं उठेगी तब तक, यही तो कारण हुआ
बाद में जब ये स्थिति हो गई तभी तो देश गुलाम हो गया। आप पहले देखिए परशुराम को, विश्वामित्र को या वशिष्ठ को, विश्वामित्र के अक्षौणी सेना को नष्ट कर देते हैं, या जो आंतरिक शक्त आती है वो त्याग से, और त्याग तभी होगा जब साधु, जब से भारतवर्ष में सन्यासी का मतलब केवल ये हो गया कि घर द्वार छोड़ दो, बहुत बड़ा मंदिर बना लो, वहां खूब चढ़ो आवे, बढ़िया ऐसो आराम का खाना खाओ, तो चाहे वो साधु हो और बैरागी, इनमें ये व्याप्त हो गया। तो साधु के इस धारणा को मिटाने के लिए ही और हम जो इसमें आए, हम भी तो यही सोच करके आए कि एकांत साधना करते, लेकिन जब गंगा किनारे आए तो गंगा की वेदना सबको समझ में आई। अंतर यही होता है कि जब बुद्ध बहिर्गत हो जाती है तो बहिर्गत बुद्धि आंतरिक भाव को नहीं समझ पाती, साधु जो अंतर में होता है तो गंगा की जो कड़ा है, चीख है, दर्द है, लोगों को पुकार पुकार के कह रही है कि हमको बचाओ, इसके लिए केदार आपरी और इसी गंगा आपरी भी उपस्थित कर देती है, कहा गया है उत्प्रामंतंगापी ज्ञानम व गुणानितम मूढ़ा नान उपस्थिति, ये सब जो घटनाएं होती हैं वो ज्ञान चक्षु हैं, वही समझ जिनको ये धारणा हो वो धारणा को मिला साधु का सही माने, जिसने अपने आप को साध लिया है वो साधु, काम को लोभ मद मत्सर को विजय प्राप्त कर लिया है वो साधु। यही कारण है कि लोग जब कहते हैं कि आप बाहर क्यों नहीं करते, हम बाहर नहीं निकलते, मंदिर की साधना में तपस्या में क्या करते, हम तो अंदर ही प्रवेश, पहले भी साधु उस संकल्प को लेकर तपस्या करते थे, हमारी भी तपस्या कुछ सर्विकार संकल्प लेके होती है, इसमें कोई दोष नहीं है, यही उपाय है, यही रास्ता है। इसलिए इन धारणाओं को, जिनके मन में धारणा को हटा दें, और जो ऐसी बात है तो आवे, सब घर द्वार त्याग करके आवे और हम आपको दिखावे इस आंदोलन के समय में भी, जब प्राण त्यागने की स्थिति रहती है उसमें भी आश्रम में कितना शांत रहता, कोई नारेबाजी नहीं है, कोई बैनर नहीं है, केवल संकल्प छोड़ा जाता है पत्रों के द्वारा। साधु का, साधु के कर्तव्य का सही अर्थ में पालन कर रहे हैं, यही कर्तव्य है। और इसी कुछ और कोई आ गए तो मैं और अनेक उदाहरण लेकर के समझा दू कि साधु केवल कंडरा में बैठ कर कर्तव्य करने वाले ही नहीं होते, वो भी साधु। देखिए जब जब वो लोग पढ़ता है विषय पढ़ता है, जिस समय तक वो विषय पढ़ता है उस समय में विषय को अंदर ग्राह्य करता है, लेकिन जब अंदर ग्राह्य करके वो अंदर ही रख लेगा, उसे प्रकाशित नहीं करेगा, तो उसकी विद्या बैठ जाती है। जब अंदर में शांत है, इसका अन्वेषण कर लिया, उस शांत को कैसे बाहर के इस उत्ताल तरंगों में लोगों के बीच कैसे दिया जाए, यह साधना। ये कुरान से लेकर के और सब जगह स्पष्ट रूप से आई कि साधु क्या है। पहले राम रावण युद्ध चल रहा था, और जब अगस्त कृष्ण ने ये देखा कि रावण का पल्ला भारी लग रहा था, तो राम के पास आके
आदित्य ने अस्तित्व दिए, उनको क्या मतलब था? नियम जादू की ही परिवार था रखने, तुमको क्या मतलब था रावण जीते चाहे राम जीते? ये परिवार था लोग समझे, और इन और जब जब लोग ये परिभाषा समझेगा कि जो चारों बगल इतना ढोंग फैला हुआ है, ये सब ढोंग है, इसी कारण भारतवर्ष की दुर्दशा है, ये ढोंग को मिटावे और साधु बने और साधुता में चले, देश का कंडा जी जी बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी शिवानंद सरस्वती जी, आपने बहुत स्पष्ट कर दिया कि साधु के लिए त्याग क्या है, साधु का कर्तव्य क्या है, और हम उम्मीद करते हैं कि आपने ये भी कहा कि बाकी सब ढोंग है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा लोग इस बात को समझेंगे, उस ढोंग से निकलेंगे, और चाहे वो अपने जीवन में कुछ भी हो, साधु हो कुछ और हो, अगर लोग इस बात को समझेंगे कि वो जो जीवन जी रहे हैं वो एक तरीके से एक नकली जीवन है, और सही जीवन तो वही है जो आप इस तरह से जिए कि उसमें स्वयं से लेके और समाज प्रकृति सभी का हित उसमें शामिल हो और उसको अपना कर्तव्य मान के करें, तब शायद जो हम लोग चाह रहे हैं वो हो पाए। और अभी ज़्यादातर लोग उस बात को नहीं समझ रहे हैं, वो भ्रमित हैं, ये बात सही है, जिसमें बड़ा साधु समाज भी शामिल है जो छोटे छोटे मुद्दों पे आंदोलित हो जाता है, लेकिन गंगा जैसे बड़े मुद्दे पे वो मातृ सदन के साथ में नहीं आ रहा है, बड़े दुर्भाग्य की बात है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे ये जो आश्रम की तपस्या है ये रंग लाएगी, सरकार को भी समझ में आएगा, समाज को भी समझ में आएगा, और जिस तरह से मातृ सदन ये प्रयास कर रहा है कि गंगा बचे, गंगा के माध्यम से पर्यावरण बचे, पर्यावरण के माध्यम से मनुष्य बचे, तो इस पूरे प्रयास में सभी का साथ मिले, सभी सही समझ के साथ शामिल हों, ऐसी उम्मीद करते हुए हम लोग इस सत्र को समाप्त करेंगे। बस आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कल यानी 3 अप्रैल को मातृ सदन में एक बैठक बुलाई गई है, 11 साथी अभी तक यहाँ आ चुके हैं पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के, और उम्मीद है कि कल सुबह कुछ और लोग आएंगे, और हमारी ये भी कोशिश है कि वर्तमान में जो किसान आंदोलन देश के अंदर चल रहा है, किसान आंदोलन में भी ये जो मातृ सदन का संघर्ष है इसकी बात वहाँ पे आए। यहाँ से कल बैठक समाप्त करने के बाद मैं किसान आंदोलन में जाने वाला हूँ, वहाँ मेधा पाटकर जी, डॉक्टर सुनीलम, ये सब लोग एक मिट्टी सत्याग्रह कर रहे हैं, जगह जगह की मिट्टी लाके वो किसान आंदोलन में स्मारक बनाने वाले हैं, और उम्मीद है कि उस वहाँ पे मातृ सदन की बात को भी उठाया जाएगा, ताकि ये बात ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक भी पहुँचे कि किस तरह से गंगा को बचाने के लिए, और जैसा मैंने कहा गंगा से देश की 41% आबादी लाभान्वित होती है, गंगा ना रहे तो उन खेतों में सिंचाई नहीं हो पाएगी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के जो भारत की सबसे उपजाऊ भूमि है, जितनी जनसंख्या का घनत्व इस इलाके में है उतना और कहीं नहीं है, और ये सिर्फ गंगा की वजह से है, तो गंगा नहीं बचेगी तो ये किसान कैसे बचेगा, ये सवाल भी हम लोग वहाँ उठाने वाले हैं। उम्मीद है कि गंगा का मुद्दा भी लोगों का ध्यान आकर्षण करेगा, लेकिन हम मातृ सदन के बहुत आभारी हैं कि उसने इस मुद्दे को लगातार उठाए हुए है, और बिल्कुल भी वो सरकार को कोई छूट नहीं देते हैं क्योंकि कोई वो गलत काम करे। जैसे ही यहाँ पे अवैध खनन शुरू होता है मातृ सदन का कोई ना कोई साधु अनशन पे बैठ जाता है,
तो यह हमको समझने की जरूरत है कि मातृ सदन हमारे लिए ये तपस्या कर रहा है, ये बलिदान दे रहा है, और हमारा सबका हित इसमें है कि जिस उद्देश्य से यहाँ पे अनशन किए जाते हैं वो सफल हों। तो इसके लिए हम सब अपनी जो भी अपनी हमारी हैसियत है, हम जो भी कर सकते हैं इस दिशा में हमें करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आज का सत्र हम समाप्त करते हैं और फिर हम सत्याग्रह में मिलेंगे इसी तरह के किसी मुद्दे को लेके, किसान आंदोलन या उससे जुड़ा हुआ। तब तक के लिए नमस्कार।